संदीप घोष कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल, जिनके कार्यकाल के दौरान ही अस्पताल परिसर में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई के शक की सुई अब घोष तक पहुंच गई है, क्योंकि घोष ही थे जो इस रेप और हत्या को सुसाइड बनाने की कोशिश में लगे थे। कई समन भेजने के बाद भी वो सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। वो अपने वकील के जरिए कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गए थे, जहां उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि भीड़ उनके घर को जला देने के लिए आमदा है। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के लिए है। बावजूद अगर आपको लगता है कि उन्हें और सुरक्षा की जरूरत है तो आप आवेदन दायर कीजिए, हम केंद्रीय बल उपलब्ध कराएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संदीप घोष चर्चा का विषय बने हुए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दिए अभी 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी तैनाती कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कर दी गई। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बंगाल की ममता सरकार के कितने नजदीक हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घोष को प्रिंसिपल बनाए जाने पर कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर नाराज हो गए थे और उन्होंने प्रिंसिपल के दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि घोष चार्ज ना ले सके। हालांकि अब हाई कोर्ट ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। अब बिना कोर्ट के आदेश उनकी कहीं नियुक्ति नहीं की जाएगी। संदीप घोष पहले कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उससे पहले भी वो एक सर्जन और आर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ के तौर पर उत्तर 24 परगना जिले में कार्यरत थे। उनके पड़ोसियों ने दावा किया कि जब वे उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के मल्लिक बगान इलाके में रहते थे, तब वे अपने घर पर मरीजों को देखने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया करते थे। हिंदुस्तान टाइम्स बांग्ला की एक रिपोर्ट में घोष के पूर्व पड़ोसियों के हवाले से कहा गया है कि संदीप घोष ने अपनी पत्नी के प्रसव के 14 दिन बाद उसके पेट पर लात मारी थी। उस दिन चीख पुकार सुनकर पड़ोसी संदीप के घर पहुंचे थे। उन्हें पता चला कि संदीप ने अपनी पत्नी के पेट पर लात मारी थी। अभी 14 दिन पहले ही पत्नी ने सर्जरी के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। स्थानीय लोगों ने उनकी पत्नी को बचाया और अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने बताया कि पिटाई की वजह से महिला के कई टांके खुल गए थे। रिपोर्ट के अनुसार घोष की पत्नी भी कोलकाता के नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि घोष सरकारी अस्पताल में नियुक्त होने के बावजूद अपने घर पर मरीजों की जांच किया करते थे। पड़ोसियों ने बताया कि कई स्थानीय लोग उनके पास आते थे, लेकिन वो अतिरिक्त शुल्क लिया करते थे। आरजी करके प्रिंसिपल के रूप में संदीप घोष का कार्यकाल पहले भी कई विवादों से घिरा रहा है, जिसमें तबादला रद्द करना भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पहले भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 2 बार स्थानांतरित किया गया था, लेकिन कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया था। संस्थान के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि संदीप घोष एक बेहद ही भ्रष्ट व्यक्ति हैं। आरजी कर MCH के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने आरोप लगाया कि संदीप घोष संस्थान के भीतर माफिया चलाता था। अली ने कहा कि संदीप घोष बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है। वह छात्रों को फेल कर देता था। वह टेंडर ऑर्डर पर 20% कमीशन लेता था। वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किए जाने वाले हर काम के लिए पैसे लेता था। वह अपने गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब की आपूर्ति करता था। वह एक माफिया व्यक्ति की तरह था। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।